Hello dear students, in this lecture we will discuss the monopolistic competition. We have already taken the perfect competition, then we have studied the oligopoly, we have also seen the monopoly market structure. यानी जब हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन तो हमारे सामने तीन तरह के मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. वन इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देन अदर एंड पे होता है मोनोपोली और बीच में आता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने देखा देर आर एन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट स्ट्रक्चर. यानी इतने ज़्यादा सेलर्स होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, या हम कह सकते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. उसके बाद हम मोनोपोली में देखते हैं कि एक सिंगल सेलर रहता है. अब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन दोनों के बीच की सिचुएशन है, जहाँ पे ना ही इन्फिनाइट सेलर्स रहेंगे और ना ही जहाँ पे सिंगल सेलर रहेगा. यानी कि इसमें थोड़े सेलर्स होंगे, फ्यू सेलर्स होंगे, या फिर सेलर्स अगर ज़्यादा भी हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं. तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी तीन तरह के मार्केट स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं. वन इज़ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, देन ऑलिगोपोली जिसको हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एंड थर्ड आता है आपका ड्यूओपोली. तो बेसिकली ड्यूओपोली और ऑलिगोपोली को हम सेम ही मान के उसी हिसाब से, क्योंकि उनका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन रहता है, तो उसको हम अलग से स्टडी नहीं करते. तो आज के इस लेक्चर में हम अपना लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. अब देखिए इस मार्केट स्ट्रक्चर के नेम में ही इसका मीनिंग है. इसका नाम है मोनो. मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है. मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल सेलर हो. तो ये भी सिंगल सेलर कोई पॉली भी वर्ड इसमें आ रहा है, नहीं सिंगल सेलर है, लेकिन फिर भी मैंने इसके आगे वर्ड लगा दिया है कॉम्पिटिशन. यानी कि अब मैम अगर हमने कॉम्पिटिशन वर्ड लगा दिया है, सिंगल सेलर है, तो कॉम्पिटिशन कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे मैं ये बात करूँगी कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जहाँ पे सेलर्स तो बहुत सारे हैं एक जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले. आई रिपीट, एक जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले, यानी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट्स इसके अंदर हैं. यानी सारे के सारे सेलर्स, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम शू इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो सबके सब जूते बना रही है सब कंपनीज, क्योंकि उनका पर्पज़ भी वही है, प्रोडक्ट क्या है, शू है. लेकिन हर कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन है, चाहे वो कलर में है, चाहे वो साइज़ में है, क्वालिटी में है, ब्रांड में है, उनके डिज़ाइन में है. हर कोई जना जो है, हर कोई सेलर जो है, हर कोई फर्म जो है, वो हर दूसरी कंपनी से डिफरेंट शू बना रही है. इसके वजह से मान लेते हैं कि मैं एक जैसे लिबर्टी की बात करते हैं, तो लिबर्टी का एक एरिया है जिस तरह के वो एक सेम डिज़ाइन है उनके, सेम पैटर्न उनके हैं, तो जिस तरह के शू वो बनाते हैं वैसे ही सेम उसी ब्रांड नेम से उसी लोगों के साथ कोई दूसरी, जैसे एडिडास है, या फिर हम बाटा की बात करते हैं, ली कूपर है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इसके अंदर, लेकिन हाँ काउंटेबल ब्रांड्स हैं. तो वो सबके सब जूते बना रही है, लेकिन सबका जूता एक दूसरे से डिफरेंट है. यानी कि जो लिबर्टी जैसा जूता बना रही है वैसा कोई दूसरी फर्म नहीं बना रही. इसकी वजह से हम कहते हैं कि लिबर्टी के अपने आप में तो मोनोपोली है, उसी सेम डिज़ाइन, उसी लोगो, उसी ब्रांड, उसी पैकेजिंग के साथ कोई दूसरा जना नहीं बना रहा. बट येस, सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, सो वी कैन से द कॉम्पिटिशन इज देयर. तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का मतलब यही हो गया, जहाँ पे बहुत सारी फर्म्स हैं जो एक जैसे, या हम कहते हैं सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है, आइडेंटिकल नहीं बना रही. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने देखा था कि वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रही है, यानी बिल्कुल ही सेम है प्रोडक्ट, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में था. जबकि मोनोपोलिस्टिक रियल लाइफ सिचुएशन है. प्रैक्टिकल लाइफ में आप जितनी भी कंपनीज देखते हो वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का पार्ट ही, या फिर ऑलिगोपोली ही होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं. जैसे सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, अगेन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है. या आप देख लीजिए, मेरे हाथ में मार्कर है, मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ, मार्कर बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज़ हैं, पेन बनाने वाली, जेल पेन बनाने वाली. तो ऐसी हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी जितने भी प्रोडक्ट हमारे सामने देखने को मिलते हैं, तो आप देखिए जैसे मेरे सामने अभी एक बैग पड़ा है, तो लैपटॉप बैग बनाने वाले भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं. अब तो मोबाइल फ़ोन बनाने में भी ऑलिगोपोली नहीं रह गए, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आ गया, क्योंकि बहुत सारी हम 10-12 कंपनीज तो ले सकते हैं जो मोबाइल बना रही है. तो रियल लाइफ में हमें बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के. तो अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विच कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट्स. यानी इसके अंदर मोनोपोली का भी एलिमेंट है और कॉम्पिटिटिव मार्केट का भी एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसका नाम ही मोनोपोलिस्टिक
कंपटीशन हो गया। मोनोपोली का एलिमेंट किस तरह से है, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जिस तरह के शूज़ लिबर्टी बना रही है वैसा सेम शू एडिडास नहीं बना रहा, एडिडास जिस तरह के शू बना रही है जिस पैकेजिंग के साथ, जिस डिज़ाइन के साथ, जिस क्वालिटी के साथ, वैसा ली कूपर नहीं बना रहा। तो ये इसमें कॉम्बिनेशन आ गया मोनोपोली का। और कॉम्पिटिटिव मार्केट क्यों बोला गया, कॉम्पिटिटिव मार्केट इसलिए क्योंकि बना तो सबके सब जूते रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि एडिडास का शू मेरे लिए बहुत कॉस्टली पड़ रहा है तो मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स शू बाय कर सकती हूँ। देन इट इज़ वन विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज देयर, तो ऑब्वियसली फर्म्स जो हैं वो एंटर कर सकती है ईजिली और छोड़ के भी जा सकती है। बट फर्म्स कैन डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, तो फर्म्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकती है अनलाइक द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो एक इकोनॉमिस्ट हुए बहुत फेमस इकोनॉमिक्स में, एडवर्ड एच चैम्बरलेन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, उन्होंने इस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का एक मॉडल दिया था, बहुत बड़ा मॉडल, उनका पूरा एक रिसर्च पेपर था इनके, एक उन्होंने जो मॉडल दिया था वो कौन से बुक में दिया था, ही डेवलप्ड इन दिस मॉडल इन हिज बुक द थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इन 1933 में उन्होंने ये मॉडल दिया था। इस मॉडल को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट येस, वेन एवर वी टॉक अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ एडवर्ड एच चैम्बरलेन, बिकॉज इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस थियरी के अंदर, इस मॉडल के अंदर। एक और इकोनॉमिस्ट है मिसेस जॉन रॉबिन्सन, इनका भी इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन्होंने भी सेम इसी में एक मॉडल दिया था, बट दोनों के मॉडल में कुछ ना कुछ डिफरेंस था, बट इनका मॉडल ज़्यादा फेमस है इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर दिस मॉडल। ओके, ये तो इसके एक छोटे से हिस्ट्री की बात हुई इस मार्केट स्ट्रक्चर के पीछे। अब क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट स्ट्रक्चर मोर इन डिटेल, सो वी नीड टू एनालाइज और वी नीड टू लुक एट द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यानी इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट फीचर हम ले लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। अब फर्म्स का मतलब यहाँ पे सेलर्स से ही है, क्योंकि सेलर्स को हम इकोनॉमिक्स में फर्म्स ही बोल रहे होते हैं जनरली। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने वाली बहुत सारी फर्म्स हैं। अब बहुत सारी फर्म्स का मतलब ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट काउंट ऑन देम, हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ फर्म्स है, बट येस, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर देयर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स थे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वी कैन नॉट काउंट देम, जबकि मोनोपोलिस्टिक में हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स आर देयर, बायर्स ऑब्वियसली हर किसी मार्केट स्ट्रक्चर में ज़्यादा ही रहते हैं। फिर आता है सेकेंड इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू फर्म्स, नई फर्म्स जो हैं वो इजीली इस मार्केट के अंदर विदाउट एनी मेजर रिस्ट्रिक्शंस अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इजीली एंटर कर सकती है। और जिस भी फर्म को लगता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जैसे मैंने शू इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, तो शू इंडस्ट्री में अगर मुझे लग रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिट गेन कर रही है तो मैं भी अपनी एक फर्म इसमें इजीली लगा सकती हूँ, यानी मैं भी इसमें एंट्री ले सकती हूँ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। अगर मान लो कि मुझे लग रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है तो मैं इजीली इसको छोड़ के भी जा सकती हूँ, यानी इजी एंट्री एंड एग्जिट, या हम कह सकते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स लाइक द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो क्योंकि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आ गया, इसमें कॉम्पिटिटिव मार्केट का एलिमेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट का एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। देन हम देखते हैं सम कंट्रोल ऑन प्राइस। अब क्या होता है कि जितनी भी फर्म्स मार्केट के अंदर है, जैसे 12 है, 15 है, 20, 25 फर्म्स हैं, उनका प्राइस के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। कंप्लीट कंट्रोल तो मोनोपोली में ही आएगा, क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो तो किंग होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। पर यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा हैं, तो लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो एक यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके जैसा सेम प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी नहीं बना रही, इस वजह से उनका कुछ ना कुछ होल्ड प्राइस पे रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन है तो उन्हें कंपटीशन का भी ध्यान रखना होगा और वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही प्राइसेस सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने शू की प्राइस, मान लेते हैं कि हम एवरेज प्राइस लेके चलते हैं कि जितनी भी 20-25 फर्म्स हैं उनका शू, एक शू जो है, मतलब वन पेयर जो है वो
2000 रुपीज़ में सेल होता है। तो अब मेरी जो प्राइसेज रहेगी वो 2000 के आसपास ही मैं रखूँगी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ कंट्रोल है तो मैं, मुझे लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट इज़ माई प्रोडक्ट इज़ वेरी यूनिक, इट हैज़ सम डिफरेंट फीचर्स, मैंने क्वालिटी का भी बहुत ध्यान रखा है, तो मैं इसको 2500 इसके प्राइस कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक भी ले जा सकती हूँ। लेकिन कुछ कंट्रोल मेरे हाथ में है, आई रिपीट, कुछ कंट्रोल का मतलब है कि मैं अपनी इच्छा से 10,000 रुपये उसकी प्राइसेस नहीं रख सकती। तो मैं क्या करूँगी, कंपटीशन के हिसाब से ही उसके प्राइस को थोड़ा सा अप या डाउन कर सकती हूँ। देन सम कंट्रोल का मतलब ये भी हो गया, क्योंकि मेरे पास मोनोपोली पावर है एक तरह से, थोड़ा बहुत मोनोपोली पावर मेरे हाथ में है, तो मैं कुछ कंट्रोल रख सकती हूँ। देन सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका सेलिंग कॉस्ट, या फिर इसको हम नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर भी ले सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाने का एक्सपेंस नहीं, प्रोडक्ट को सेल करने का कितना खर्चा आ रहा है, प्रोडक्ट को बेचने पे कितना एक्सपेंस आ रहा है, वो। तो सेलिंग कॉस्ट इसमें इम्पॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि सब लोग ये शू बना रहे हैं, बहुत सारी फर्म्स मार्केट में हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। अब इस केस में मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट पे मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, ताकि मैं ये शो कर सकूँ कस्टमर्स को व्हाई माय प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स और व्हाई माय प्रोडक्ट इज़ बेस्ट फॉर यू। क्योंकि लोगों को, मी बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं कहीं कोई प्रोडक्ट खरीदने भी जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अब मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ, तो जिसका ज़्यादा एड मैंने देखा होगा या जिसका एडवर्टीजमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लगा होगा, तो उसका प्रोडक्ट मैं खरीदने के लिए ज़्यादा वो होंगे, एनकरेज होंगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुन रखा है बहुत, मैंने टीवी पे ऐड देखा है, मैंने मोबाइल पे भी इसका बहुत ऐड देखा है, इंटरनेट पे देखा है, तो ऑब्वियसली हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा लेंगे। तो इसी में यही होता है कि सेलिंग कॉस्ट पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो कंपनीज़ करती है जो डिफरेंशिएट करने के लिए, बट स्टिल सेलिंग कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा आती है, एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा आती है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर भी हम इनको बोल सकते हैं। तो इस तरह से सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की आइज में बेस्ट से बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट फीचर इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पे obviously I've already explained this point कि सब companies का जो या सब firms का जो product है वो किसी न किसी तरह से अलग होता है, color में, size में, shape में, design में, quality में, packaging में, brand में, logo के design में, तो इस तरह से वो किसी product को क्या करती है, सारी companies अलग बनाने की कोशिश करती है अपने कॉम्पिटिटर या राइवल फर्म्स के कंपैरिजन में। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ देयर इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर, तो ये इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से हैं ये तीनों। देन आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि जहाँ पे हम प्राइस से नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट सबकी सेम है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, तो अब हमें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मेहनत कहाँ पे करनी होगी, हमें नॉन प्राइस कंपटीशन करना होगा। प्राइस को लेकर कम्पीट नहीं कर रहे हम, प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, उसकी पैकेजिंग को इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्टिव लगे, उसके एडवर्टीजमेंट को हम इस तरह से इतना सुंदर प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोगों को लगता है दिस प्रोडक्ट इज़ बेस्ट। तो नॉन प्राइस कंपटीशन इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और भी फीचर्स हम ले सकते हैं इसके अलावा, जैसे अगर बात करते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो रेवेन्यू कर्व है या फिर जो डिमांड कर्व है वो कैसा रहेगा। अब इसके लिए हम देखते हैं कि जब भी कंपटीशन होता है या जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं, उस केस में हमने डिमांड के लेक्चर में ये समझा है कि व्हेनेवर द सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल द डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाईली इलास्टिक और द डिमांड विल बी मोर इलास्टिक, यानी डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा इलास्टिक रहेगी। द रीज़न इज़ अगर मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर फर्म का प्रोडक्ट मेरे लिए एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो मुझे लगता है भले ही वो 10% ही ज़्यादा लग रहा है मुझे प्राइस, लेकिन जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं वो 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों दूँ, उतनी भी पैसा मैं ज़्यादा या 100 रुपीज़ ही मानो ज़्यादा है तो मैं उतना भी ज़्यादा पे क्यों करूँ जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यानी कि जब एक फर्म थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ाएगी,
थोड़ी सी, यानी उसने तो बेचारे ना 100 रुपीज़ ही बढ़ाए, लेकिन उसकी वजह से क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स लोगों के पास इतने थे कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी द चेंज इन प्राइस इज़ लेसर देन चेंज इन डिमांड। या फिर उसका ऑपोजिट करके देखते हैं कि कोई फर्म ने अपनी प्राइसेस बहुत ही थोड़ी सी कम कर दी, बहुत थोड़ी सी कम करते सारे के सारे कस्टमर्स उसके पास आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर, सारे नहीं मोस्टली कस्टमर्स उससे प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, तो उसके उसने प्राइसेस तो 5% ही कम की थी लेकिन उसकी डिमांड मोर देन 5% बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर जो रेवेन्यू कर्व है या जो डिमांड कर्व जो फर्म फेस करेगी वो किस तरह का होगा, वो होगा हाईली इलास्टिक या मोर इलास्टिक। देन अगर बात करें कि लॉन्ग रन के अंदर इसका जो प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो है वो कैसा रहता है, फर्म्स को क्या मिलते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं लॉन्ग रन में फर्म्स को, सारी फर्म्स को, या मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में हम इसको वैसे तो देखा जाए तो क्योंकि मोनोपोली है, यूनिक प्रोडक्ट है हर फर्म का अपने आप में, तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट्स ही मिलेंगे। फिर भी इसको हम दो हेडिंग में स्टडी करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि फर्म की एंट्री और एग्जिट कम्प्लीटली फ्री है, मतलब बिल्कुल ही कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तब तो क्या होगा कि उनको लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे फर्म्स को। और अगर उनका एंट्री एंड एग्जिट थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, जो कि ऑब्वियसली हर मार्केट सिचुएशन में थोड़ा बहुत रहता है, वो प्रैक्टिकल है, तो थोड़ा बहुत अगर रेस्ट्रिक्शंस हैं तो उनको फर्म्स विल मोनोपोलिस्टिक फर्म विल एंजॉय द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। तो ये सारे इसके फीचर्स हो गए, यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल डिटेल में समझा, इसके मीनिंग को। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से फर्म जो है मोनोपोलिस्टिक फर्म अपना प्राइस और आउटपुट डिटरमिन करती है। सो प्राइस और आउटपुट डिटरमिन करने के लिए वी नीड टू कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। इक्विलिब्रियम को भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छे से, फिर भी हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन वेयर अ फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, एक ऐसा आउटपुट लेवल हमें फाइंड आउट करना है जहाँ पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, जहाँ पे फर्म एक बैलेंस के सिचुएशन में हो, जहाँ से पीछे जाने में भी फर्म को लॉस है और जहाँ से आगे जाने में भी फर्म को लॉस हो। पीछे जाने का मतलब है कि मान लो मैंने 500 आउटपुट लेवल मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट है, अगर मैं इससे कम जाती हूँ तब भी मुझे लॉस होगा, मतलब उतना बेनिफिट नहीं होगा, या इससे मैं ज़्यादा बनाऊँगी तब भी मुझे उतना फ़ायदा नहीं होगा, मुझे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ मिलेगा जब मैं 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगी। तो वो 500 हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के अंदर। सो आई रिपीट द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इज वेयर अ फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। सो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, यानी फर्म को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेंगे, द फर्म शुड सेटिस्फाई द टू कंडीशंस वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट, एंड द सेकेंड कंडीशन इज वेयर द एमसी कर्व कट्स द एमआर फ्रॉम बिलो। ये सारे मार्केट में सेम यही कंडीशन रहेगी, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो वी विल से द फर्म इज एन इक्विलिब्रियम, एंड हियर वी विल फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। सो इसको हम डायग्राम पे देखते हैं। ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग आउटपुट, on y axis I am taking revenue and cost, अब क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो रेवेन्यू है वो हाईली इलास्टिक होता है, या जो डिमांड कर्व है वो हाईली इलास्टिक रहेगा, सो वी नो दैट द एवरेज रेवेन्यू इज द डिमांड कर्व, सो इट इज हाईली इलास्टिक, एंड वेन ए आर डिक्रीजेज MR also decreases but with a higher rate. तो marginal revenue भी कम हो रहा है जब average revenue कम होता है, लेकिन ये इससे पहले कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया marginal revenue और average revenue in case of monopolistic competition. अब हमको चाहिए क्या, हमें तो चाहिए MR और MC equilibrium के लिए। marginal revenue हमारे पास आ गया है,
अब आप पूछोगे कि मैम जब हमें सिर्फ एम आर ही चाहिए तो आपने ए आर क्यों बनाया। एम आर और ए आर हमेशा साथ साथ चलते हैं, तो पहले जब हमारे पास ए आर आ जाएगा यानी एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा ओनली देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एम आर। सो इसीलिए इनको साथ लिखते हैं। नाउ बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल कॉस्ट को बना लेते हैं। वी नो दैट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ऑफ यू शेप्ड, सो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। नाउ वी विल फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द एम आर कर्व एंड दिस इज आर एम सी कर्व। हियर एट दिस पॉइंट बोथ एम आर एंड एम सी इज इक्वल टू ईच अदर, सो वी विल से दैट ओ क्यू इज द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। सो दिस इज द हियर वी हैव डिटरमिंड द आउटपुट ऑफ द फर्म। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो एवरेज रेवेन्यू है वही हमारा प्राइस होता है, इसको मैं ऊपर लेके गई और यहाँ पे हमने डिटरमिन कर दी प्राइस। यानी फर्म जो है ओ क्यू आउटपुट को ओ पी प्राइस पे सेल करेगी। ओ पी इज़ द पर यूनिट प्राइस एंड ओ क्यू इज़ द टोटल आउटपुट। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम विद डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। तो डायग्राम हमने देखा, एम सी कर्व देखा, ए आर एम आर देखा। अब हम बात करेंगे कि शॉर्ट रन के अंदर फर्म की सिचुएशन क्या रहती है, हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमिन अंडर द शॉर्ट रन। तो जब भी प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन की बात आएगी, यू विल स्टार्ट दिस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे कि शॉर्ट रन के अंदर क्या क्या सिचुएशन फर्म को फेस करनी पड़ती है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं, तब तक मैं इसको रब करती हूँ और हम हेडिंग डालते हैं इधर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। इसको रब करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन। Now we all know that in short run is a condition where some factors are fixed, factors of production. Some factors of production are fixed and some are variable. A producer cannot change all the factors of production. That is why he cannot adjust its supply according to the market demand. क्योंकि कम time है तो market demand के according तो supply को adjust करना possible नहीं है, क्योंकि short run है। अब कुछ फैक्टर फिक्स हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल हैं। फिक्स फैक्टर को वो हाथ नहीं लगा सकता, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके एक हद तक वो सप्लाई बढ़ा सकता है। इस वजह से शॉर्ट रन के अंदर अ फर्म, एनी फर्म हैज़ टू फेस थ्री एनी ऑफ द थ्री सिचुएशन, दैट इज शॉर्ट एक्सेस प्रॉफिट और वी कैन से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, देन नॉर्मल और इट कैन फेस द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और द फर्म कैन फेस द सिचुएशन ऑफ लॉस एज वेल। तीनों में से कोई भी सिचुएशन उसको मिल सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि अभी शॉर्ट रन है, अभी फैक्ट्री स्टार्ट ही की है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार प्रॉफिट ही हो। इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में तो लॉस ही होते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कवर होते होते इतना टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन को कि किस तरह से डायग्राम में इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, किस तरह से फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, क्या उसका डायग्राम रहेगा, क्या उसकी सिचुएशन रहेगी। फर्स्ट कंडीशन एक्सप्लेन करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलते हैं, टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस वी हैव टू कंसीडर द एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। क्योंकि मार्जिनल तो सिर्फ चेंजेस को बताता है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हमें एवरेज को कंसीडर करना होता है, एवरेज यानी पर यूनिट रेवेन्यू। तो पर यूनिट रेवेन्यू अगर आपका पर यूनिट कॉस्ट से ज़्यादा है, यानी अगर मार्कर को बनाने में 10 रुपीज़ लग रहे हैं और उसकी जो प्राइस है वो 15 है, यानी 15 पे मैं उसको बेच रही हूँ, तो रेवेन्यू मेरा ज़्यादा है। एक मार्कर को बेचने से एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, प्राइस ही होती है। 15 मिलेगा मुझे और कॉस्ट मेरी कितनी पड़ी, 10 पड़ रही है, यानी कि पर मार्कर पे मुझे प्रॉफिट कितना करा है, 5 रुपीज़ का। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले तो डायग्राम हमें सेम यही बनाना है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लेंगे, एवरेज रेवेन्यू कर्व, एमसी, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट देखेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस हमने डिटरमिन की। अब हमारा लास्ट क्या हमें
प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें एवरेज रेवेन्यू हमारे पास है, सिर्फ एवरेज कॉस्ट रहता है जिसको मैं अभी ड्रॉ करूँगी। तो एवरेज कॉस्ट हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो एवरेज रेवेन्यू जो है वो उससे कम रहे, तभी तो हम प्रॉफिट दिखा पाएंगे। तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। वैसे इसको मैंने डिटेल में मोनोपोली मार्केट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आपको ये सारे डायग्राम्स और भी डिटेल में देखने हैं। तो ये आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट। हमने एसी और एमसी के रिलेशन का भी ध्यान रखा है। रिलेशन कहते हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करनी चाहिए। तो इसमें हमने वो रिलेशन भी ध्यान रखा है। सारे रिलेशन हमने ध्यान रख लिए, AR MR के देख लिए, AC MC किस तरह से बनते वो भी देख लिए, और इस तरह से हमने ड्रॉ किया। हम एवरेज कॉस्ट को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो एवरेज रेवेन्यू से नीचे रहे। एवरेज रेवेन्यू हमारा इतना आ रहा है, एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखेंगे। क्यों देखेंगे इसी पॉइंट पे? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं एवरेज कॉस्ट के लिए, कुछ यहाँ लगा देते हैं, ऐसा गलती नहीं करनी है। द रीज़न इज हमें ये आउटपुट लेवल पकड़ के रखना है, OQ। आपको ये देखना है कि OQ पे कॉस्ट कितनी आ रही है। OQ पे ये कॉस्ट की लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है, तो कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, इतनी आ रही है। रेवेन्यू कहाँ रहा है, तो ये OQ वाली लाइन रेवेन्यू को यहाँ टच कर रही है, हम देखेंगे रेवेन्यू इतना आ रहा है। तो ये सीधी सीधी बात है, अगर मैं इसको पॉइंट नाम दूँ, इसको मैंने नाम दिया टी, इस पॉइंट को दे देते हैं के पॉइंट। तो जो TQ है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया, KQ हमारी एवरेज कॉस्ट हो गई, तो ये इतना प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। अब इसी को मैं यहाँ ले आती हूँ और एक पॉइंट लगा देते हैं, इसी कोई डिफरेंस नहीं है, हमने सिर्फ टोटल किया है। कैसे किया है? अगर मैं कहूँ इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे लिख के, एनालिसिस में पर यूनिट रेवेन्यू, मैं सिर्फ एक का ही एनालिसिस आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी सारे डायग्राम्स के सेम एनालिसिस होंगे। पर यूनिट रेवेन्यू, या फिर हम कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है, चाहे आप TQ लिखो या आप OP लिखो, बात एक ही है। तो मैं OP लिख देती हूँ यहाँ पे, OP, देन पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, चाहे आप KQ लिखो या OC लिखो, एक ही बात है, मैंने लिख दिया OC। तो पर यूनिट अगर प्रॉफिट की बात करें या एवरेज प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कितना हो गया, RC, इसको कैंसिल कर दो, कितना बचा RC, ओके वो आर लिख दिया ना, दिस इज PC, ओके ये हो गया PC हमारा पर यूनिट रेवेन्यू हो गया। अब बात करते हैं टोटल। टोटल रेवेन्यू कब मिलते हैं हमें, सबको पता है टोटल रेवेन्यू कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे हम जब भी प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, OPTQ, दिस होल एरिया, क्योंकि हमने पूरा आउटपुट इसमें इंक्लूड कर लिया है। OPTQ आप देख लो, OPTQ, देन टोटल कॉस्ट वो कहाँ पे होगा, OCKQ, OCKQ। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने कॉस्ट लगाई थी ना, इसको हम इधर मिला लेते हैं, तो ये पूरा एरिया कॉस्ट का हो गया, एंड दिस होल एरिया बिकम्स अ टोटल रेवेन्यू। अब क्या होगा, टोटल प्रॉफिट देखते हैं, OPTQ माइनस OCKQ, ओ से वो कैंसिल कर दो, क्यू से क्यू, देखते हैं क्या वही बच रहे हैं जो, क्योंकि ये जो एरिया है वो क्या हो गया हमारा प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्या है, PTCK, तो यही एरिया हमारा बच रहा है PTCK। आप नंबरिंग या नेमिंग जो है किसी भी तरह से कर सकते हो। अब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, जो हमारा प्रॉफिट वाला एरिया है, सो दिस इज द सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेन करना भी है तो आप लिख सकते हो प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। मैं सेकंड लेती हूँ, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलेगा किसी भी फॉर्म को, व्हेन AR इज इक्वल्स टू AC, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे के जब बराबर होंगे। अब मैं ये डायग्राम यहाँ पे रख कर देती हूँ, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आउटपुट लेंगे एक्स पे, वही रेवेन्यू एंड कॉस्ट वाई एक्सिस पे लेंगे। अब सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एफ इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए ए आर, और ये हमारा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बाद हमें चाहिए एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये हमने बना दिया एमसी। फिर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर एम आर इक्वल्स टू एमसी, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी को ऊपर लेके गए, ये हमारी बन गई प्राइस। अब हमें चाहिए एवरेज रेवेन्यू, हमारे पास ऑलरेडी है, हमें दिखाना है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट के बराबर है। तो बराबर दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा रेवेन्यू इतना है, इसको नाम दे देते हैं, एक यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा देते हैं, के पॉइंट। ओके, के क्यू हमारा जब एवरेज रेवेन्यू है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए के क्यू ही एवरेज कॉस्ट दिखानी पड़ेगी। तो एवरेज कॉस्ट के क्यू ही रहे, इसके लिए वी हैव टू ड्रॉ एवरेज कॉस्ट कर्व इन दिस वे, एवरेज कॉस्ट कर्व हमने बना दी, रिलेशन हमने वही रखा है, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे एमसी कट करता हुआ जा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि ओ क्यू आउटपुट लेवल पे, ये ओ क्यू है, ओ क्यू आउटपुट लेवल पे रेवेन्यू कितना है, आपको होगी के क्यू, क्योंकि रेवेन्यू का कर्व भी यही है। कॉस्ट कितनी है, आपको होगी के क्यू, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल हैं। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे भी ओके। हाँ, अगर पर यूनिट रेवेन्यू की बात करें, मैं ओ पी लिख सकती हूँ के क्यू की जगह, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओ पी। पर यूनिट कॉस्ट भी ओ पी ही है, ओ पी माइनस ओ पी कितना हो गया, जीरो, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है। अब टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं, इसको रब करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू ओ पी के क्यू, ओ पी के क्यू, टोटल कॉस्ट भी उतनी है ओ पी के क्यू, तो प्रॉफिट कितना है ओ पी के क्यू माइनस ओ पी के क्यू, सब कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। थर्ड कंडीशन हम देखेंगे, दैट इज लॉस। लॉस कब होगा, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमें लॉस होगा। इस डायग्राम को आप इस तरह से थोड़ा सा टाइम की बचत करते हैं। ओके, अगेन वही इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, दिस इज ए आर, दिस इज एम आर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए भी नीड एमसी कर्व, ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब हम देखेंगे इधर, वेर एम सी इक्वल्स टू एम आर, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमने प्राइस ले लिया, इस पॉइंट को के पॉइंट नाम दे दिया, यहाँ पे क्वांटिटी के लिए क्यू ले लिया। अब हमें सिर्फ बनाना क्या है, हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ये कह रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, तो अभी फर्स्ट डायग्राम में हमने कॉस्ट कर्व को नीचे रखा था, रेवेन्यू से कम रखा था, देन कॉस्ट को हमने रेवेन्यू के बराबर लेके आए थे, अब हम कॉस्ट को रेवेन्यू से ऊंचा ले जाएंगे ताकि हम लॉस शो कर सके डायग्राम में। तो मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गया एवरेज कॉस्ट कर्व। आप चाहो तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को थोड़ा सा और ऊंचा बना लो, ताकि आपको अच्छे से वो रिजल्ट क्लियर कट दिखाई दे, ऐसे। तो ये हो गया आपका एमसी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेवेन्यू हो गया कॉस्ट के लिए, इसी लाइन को हम ऊपर लेके जाएंगे, और कहीं पे भी नहीं, इसी लाइन को पकड़ के रखना, ऊपर लेके गए, तो ये तो आ गई आपकी कॉस्ट, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं टी पॉइंट। तो ये अब आप देखिए, टोटल रेवेन्यू की बात करूँ, टोटल रेवेन्यू ओ पी के क्यू, टोटल कॉस्ट है ओ सी टी क्यू, जो बचा हुआ एरिया है, क्योंकि रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट, तो रिमेनिंग एरिया विल बी, ये एरिया क्या हो गया, ये लॉस हो गया, दिस एरिया मार्कर में, ओके, ये आपका लॉस का एरिया हो गया। तो ये हो गया, आप इसको एनालिसिस को आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप खुद से कर सकते हैं। तो दिस वॉज द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में क्या होगा, तो लॉन्ग रन में आप दो सिचुएशन हम देखते हैं,
कि अगर फर्म को फर्म की एंट्री और एग्जिट फ्री है तो हम कहते हैं कि जो फर्म्स हैं उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग रन के अंदर, तो आप एक नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि एंट्री एंड एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड है तो दे विल अर्न द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखिए किसी भी फर्म को लॉन्ग रन में लॉसेज नहीं फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि लॉन्ग रन में उनके जो कॉस्ट है वो कवर नहीं हो रही तो वो फर्म्स बंद हो जाती हैं, वो छोड़ के चली जाती है। क्योंकि हम रहे ही इसलिए रहे मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए, जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, शट डाउन कर देंगे प्लांट को। So thank you for watching the video.